गुड इवनिंग बच्चों, क्या चल रहा है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? और मेहनत करो, ठीक है? और बेटा हनी, क्या चल रहा है? हनी, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है तेरा? ठीक है, जल्दी से रिटर्न वर्क कंप्लीट करो और मेरे पास भेजो। महक का भी ठीक चल रहा है रेस्पॉन्स, महक ने भी रेस्पॉन्स ठीक चल रहा है। और बेटा अश्वनी, आपका जो है आज बात नहीं हो पाई आपसे, ठीक है? अगेन ट्राई, फिर से ट्राई करो। प्रशांत बेटा, आपसे भी आज बात नहीं हो पाई मेरी, अगेन ट्राई, फिर से ट्राई करो, कम्युनिकेशन होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा जी आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में जहां पर हमने आपको ड्रॉप किया था उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के सारे एलिमेंट्स और उनकी स्टडी के बारे में आपको समझा रहा था। उसके बाद मैंने केस वन बताया था कि केस वन में कैसे हम लोग आयंस के केस में कैसे हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो उसमें मैंने आपको एक चीज खास बता दिया था बेटा कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब कैटायन दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉन हम पहले जो 4s और बाइक्लस निकालेंगे, और उसके बाद जब 4s खाली हो जाएगा उसके बाद हम जो है 3d से निकालेंगे, राइट? इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग जो है 3d से पहले निकाल देते हैं और 4s में खाली छोड़ देते हैं, वो तब उनका आंसर 100% गलत आएगा। एक बात, दूसरे केस में मैं डिस्कस कर रहा था कि बच्चों अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में चाहे कोई एटम हो चाहे कोई आयन हो, आयन का मतलब मेरे पास कैटायन, ठीक है? अगर कोई एटम हो या आयन हो, अगर एटम या आयन के केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को अगर मिलता है, बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, तो वो सब के सब क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे और कलर्ड होंगे, ठीक? लेकिन अगर सिचुएशन हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है बेटा जी कि उसमें कोई कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा तो वो कैसा होगा? वो डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा, ठीक है? तो दो केस मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उसके आगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? केस नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक? तो यहां पर सी में आ जाओ, एग्जाम्पल सी में आ जाओ। अगर मैंने मान लिया जाए, बेटा जी मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैंने कह रखा है कि Mn डाई पॉजिटिव है, राइट? अगर मैंने Mn डाई पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है ना? तो अगर Mn डाई पॉजिटिव दे रखा है तो हमने क्या करना है बेटा कि हमने Mn का एटॉमिक नंबर 25, तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये आपका हो गया ऑर्गन, इसके बाद लिखा आपने 4s, फिर लिखा आपने 3d, तो ये आपका हो गया किसका? Mn का हो गया। अब हम Mn डाई पॉजिटिव की बात करते हैं, तो Mn डाई पॉजिटिव में हमको देखने को कैसा मिलता है? 4s आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसके बाद 3d हमारा क्या हो जाएगा? 5। बेटा 4s की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 3d की अगर हम बात करते हैं तो 3d में कितने बॉक्स? 5। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ये हमारा हो गया 3d। बेटा एक बात बताओ, 4s में तो कुछ है नहीं, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? नोट करो बेटा, हनी तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? और महक, क्या चल रहा तुम लोगों का? ठीक है, कोई डाउट हो बेटा तो व्हाट्सएप करो। अश्वनी बेटा फिर से ट्राई करो, कल कल परसों जब भी लगे, ठीक है? और प्रशांत तुम भी,
ठीक बेटा। अब इस केस में मेरे को एक बात बताओ, इस केस में अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बताओ बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना देखने को मिल रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को दिखने को मिल रहा 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हुआ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, और साथ में कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बेटा होगा कि नहीं होगा, नोट करो। लिखा बेटा, लिखा। अब देखो सी के बाद डी में आ जाओ बच्चों, बच्चों सी के बाद डी में आ जाओ, सी के बाद हम लोग डी में आ जाए। बच्चों मेरी बात सुनो, Cu प्लस की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं Cu की बात कर रहा हूं। Cu का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फिगरेशन करिए, ये हमारा ऑर्गन हो गया। इसके बाद हो गया हमारा 4s, 4s के बाद हो गया हमारा 3d, थोड़ा स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये हमारा ऑर्गन हो गया, ठीक है, ये हमारा 4s हो गया और 3d हो गया, ये 10 और 1 पढ़ा चुके हैं आपको। और अगर मैं ये कहता हूं कि Cu प्लस का निकालना है, तो Cu प्लस के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गन आपका मेंटेन, राइट, ऑर्गन मेंटेन। अब 4s की बात कर रहा हूं और 3d की बात कर रहा हूं, राइट बेटा, तो 4s आपका 0 और 3d कितना हो जाएगा, 10। एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 4s हो गया और ये बेटा जी हो गया 3d। दिखाई दे रहा है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 3D हो गया। बेटा हो गया कि नहीं हो गया। अब जो है इस केस में थोड़ा ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे को बात बताओ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में मेरे को कितने दिखाई दे रहे हैं, 0, राइट। तो जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वो होगा हमारा डायमैग्नेटिक, क्या होगा, वो हमारा होगा डायमैग्नेटिक, राइट, वो हमारा डायमैग्नेटिक होगा और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट नहीं होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस, क्या हो जाएगा, कलरलेस। नोट करो बेटा, लिखा बच्चों। एक और केस देखो बेटा, कि अब जो मैं क्या कर देता हूं कि Cu प्लस की जगह है ना डी डैश डाल दो, डी डैश यहां प्लस टू ले लेता हूं, राइट। प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे साहब। तो अब जो है सिचुएशन को देखो, ठीक है, अब सिचुएशन को देखो भाई,
अब कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो और समझो। डाई पॉजिटिव है, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक तो यहां से निकालेंगे और एक यहां से निकालेंगे, जब ये खाली हो जाएगा यहां से निकालेंगे, तो यहां कितना हुआ, नाइन। अब देखो फोर एक्सन तो था नहीं, नाइन इलेक्ट्रॉन बनना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये नाइन, राइट। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, वन दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वन हो गया। तो जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया वो सारे के सारे क्या हो गए, कलर्ड हो गए, और साथ में कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, अगर मैं ये कहता हूं कि इसको मेरे को डिस्टिंग्विश करना है, अगर मैंने एग्जाम्पल में ये कह दिया कि Cu प्लस एंड Cu डाई पॉजिटिव एंड Cu डाई पॉजिटिव को डिस्टिंग्विश करना है, पहले बेटा इतना नोट करो, नोट किया बेटा। अब इधर देखो, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि Cu प्लस और Cu डाई पॉजिटिव में डिस्टिंग्विश करना है, तो पहली बात तो ये हो गया कि Cu प्लस में नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है, इसमें कोई भी अनपेयर नहीं है और इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इज दैट क्लियर। तो पॉइंट वन लिखो, Cu प्लस कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट Cu डाई पॉजिटिव कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से हमारी बात सुन लो, Cu प्लस कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट Cu डाई पॉजिटिव कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा, नोट करो। सेकेंड पॉइंट लिखो, Cu प्लस इज डाया मैग्नेटिक, Cu के ऊपर एक प्लस लगा देंगे, Cu प्लस इज डाया मैग्नेटिक बट Cu डाई पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, Cu प्लस इज डाया मैग्नेटिक बट Cu डाई पॉजिटिव इज द पैरामैग्नेटिक, राइट। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट ये लिखो, Cu प्लस इज द कलरलेस, बट Cu डाई पॉजिटिव एग्जिस्ट इन कलर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखना ब्लू कलर, ब्रैकेट में लिखना बेटा ब्लू कलर, राइट, ठीक है ना। जैसे जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ब्लू विट्रियॉल, तो ब्लू विट्रियॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट,
तो कॉपर सल्फेट में सल्फेट के ऊपर माइनस टू, तो कॉपर पर आ जाएगा डाई पॉजिटिव। जैसे ही कॉपर पर डाई पॉजिटिव आ जाएगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, वन, तो वन अनपेयर मिलेगा, जिसकी वजह से उसमें कलर दिखाई देगा। तो ब्लू कलर दिखाई देने की वजह से बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियॉल, ठीक है ना। चलो इसको हम बाद में बताएंगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और देखो, एक और देखो, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूं कोबाल्ट डाई पॉजिटिव, राइट, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि कोबाल्ट डाई पॉजिटिव कह रखा है, तो बेटा सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कोबाल्ट की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम कोबाल्ट की बात करेंगे, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 27 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद हम ये कहने वाले हैं, ये हमारा हो जाएगा ऑर्गन, इसके बाद हमने लिखा 4s और फिर लिखा 3d, तो 18, 20 और ये हो गया हमारा 27, 27 हो गया, हुआ। अब अगर मेरे को करना है CO डाइपॉजिटिव के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, O छोटा होगा, C बड़ा होगा, O छोटा होगा। अब यहां पर क्या है, ये हमारा ऑर्गन हो जाएगा और 4s हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3d हमारा क्या हो जाएगा, 7। अब 4s 0 कैसे हो जाएगा, ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पहले हम 4s से निकालते हैं, जब 4s खाली हो जाएगा तब हम 3d से निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो कि अगर हम देखें सिचुएशन को देखें, तो 4s के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 3d के पास, हमारे पास जो है 3d के पास, राइट, ठीक है, तो 3d के पास अगर हम बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे, 3। तो अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह रखा है, मैंने क्वेश्चन ये कहा कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना देखने को मिलेगा, 3। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, बेटा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट होगा, इसे पैरामैग्नेट बोलेंगे, और साथ में इसमें क्या देखने को मिलेगा, कलर्ड बिहेवियर। कैसा? कलर्ड बिहेवियर, ब्लू और ग्रीन कलर का इसमें देखने को मिलता है, ब्लू या ग्रीन कलर इसमें देखने को मिलता है। कुछ कोबाल्ट के सॉल्ट पिंक कलर के भी होते हैं। चलो नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। लिखा बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आउट क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हमारा सवाल है और मैंने दे रखा है कि Zn डाई पॉजिटिव, राइट, निकेल डाई पॉजिटिव और क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, राइट। और इसके बाद मैं एक और ले लेता हूं कि एक और ले लो, है ना, और एक ले लो कॉपर डाई पॉजिटिव, ऐसा मैं ले लेता हूं। चलो फटाफट सॉल्व करो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन सर्च करना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। लिखा बच्चों, अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा अनपेयर देखने को मिलेगा क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, फिर हमको देखने को मिलेगा निकेल डाई पॉजिटिव, और फिर हमको देखने को मिलेगा सीयू डाई पॉजिटिव, और इसके बाद जेडन डाई पॉजिटिव। क्या ये आंसर आ रहा आपका? क्या सभी लोगों का? अनन्या बेटा, ये आंसर आपका आ रहा है? क्यों बेटा? अनन्या, हनी, क्या रहा है आपका? क्या ये आंसर आ रहा है बेटा? अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। चांदनी बेटा, तेरा आंसर क्या आ रहा है? क्या ये मैच कर रहा है आंसर आपके आंसर से? देखो, मैच कराओ। अब यहां पर एक नया चीज जो देखने को मिला, वो हमने क्रोमियम ले लिया, राइट। अब देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। हमने कॉन्फिगरेशन किया, ये हमको ऑर्गन, इसके बाद 4s और 3d, 4s1 3d5 पक्का। अगर मैं क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? ये ऑर्गन मिल गया। 4s से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि नहीं निकाल लें? चलो निकाल दिया, तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया और दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, तो 3d कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां पर इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में हमको कितना मिलेगा? 3। इस केस में कितना मिलेगा? 2। इस केस में कितना मिलेगा? 1। इस केस में कितना मिलेगा? 0। कुछ ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नोट करो पहले फटाफट, फिर दो क्वेश्चन आप लिखेंगे और 3-4 लाइनें छोड़ देंगे एज ए होमवर्क। पहले इतना नोट करो। लिखा बेटा, फटाफट नोट करो। लिखा बच्चों, चलो अब लिखो होमवर्क के, लिखो
फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, बोर्ड पर लिखा हुआ है फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब यहां पर एक केस में तो इस तरीके से ले रहा हूं कि क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव ले लिया मैंने, एफ ट्राई पॉजिटिव ले लिया है ना, और एम एन ट्राई पॉजिटिव ले लिया और सीओ ट्राई पॉजिटिव, राइट, सीओ ट्राई पॉजिटिव, राइट, ये ले लिया। अगर दो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो जैसे मान लिया जाए कि इन दोनों का बराबर आ रहा है तो हम क्या कैसे लिखेंगे भाई, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव एफ ट्राई पॉजिटिव, ये बराबर लिख देंगे अगर बराबर आ रहा है तो, राइट, अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर एक केस और ले लो, ये एक ले लो कि निकल डाई पॉजिटिव, राइट, और एफ ई डाई पॉजिटिव है ना, और क्रोमियम डाई पॉजिटिव है ना, और सी यू डाई पॉजिटिव, एक ये ले लो, राइट। तो इसमें ये आपको क्वेश्चन पहले लिखो, इसके लिए कुछ लाइनें छोड़ दो, आधा पेज जितना आपको लगता है उतना, जितना रिक्वायर्ड हो उतना छोड़ दो है ना, रफ कॉपी में इसके आंसर निकाल करके सीधे एक दो लाइन में आंसर बना देना, ठीक है। अब इसके बाद लिखो केस थ्री, पहले इतना नोट करो पहले फटाफट, लिखा बच्चों। चलो अब लिखो केस थ्री, लिखो बेटा केस थ्री, केस थर्ड, और इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझना, अगर किसी डीब्लॉक एलिमेंट में, अगर किसी डीब्लॉक एलिमेंट में या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अगर किसी डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर किसी डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है बोहर मैग्नेटॉन। फिर से हमारी बात सुन लो, अगर किसी एटम में या आयन में, अगर किसी एटम में या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, राइट। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट केस थर्ड में, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज F block element, in D block element as well as F block, small f रहेगा, small f रहेगा, F block element, a scale,
एक स्केल इज यूज्ड विच इज बोहर मैग्नेटॉन, मैं लिखे दे रहा हूं, विच इज बोहर मैग्नेटॉन, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोहर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या होगा, एन एन प्लस टू बी एम यानी बोहर मैग्नेटॉन, और एन बराबर जहां पर हम लिखेंगे वेयर एन बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी ओ एच आर बोहर मैग्नेटॉन, एम ए जी एन टी ओ एन म्यू, लिखा बेटा। अब देख इसको मिटा दे, अब देख ध्यान से बेटा, मेरी बात सुन, अगर मैंने ये कह रखा है निकल डाई पॉजिटिव, तो निकल डाई पॉजिटिव में अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, निकल डाई पॉजिटिव में अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, क्या है, एक बात मेरे को बता, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया था, दो आया था, राइट, निकल डाई पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, दो आया था, इसका मतलब यह हुआ ना कि एन बराबर कितना हो गया, दो हो गया, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, दो हो गया। अच्छा एक बात बता, मैंने फॉर्मूला यूज किया म्यू बराबर रूट एन एन प्लस टू, ऐसा मैंने यूज किया, क्यों बेटा क्या, अच्छा मेरी बात सुन, n की वैल्यू कितना है, दो, और ये लिखा टू प्लस टू, यानी कि कितना हो गया रूट एट, रूट एट हुआ कि नहीं हुआ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को आंसर अप्रॉक्स जो आंसर 2.9 मिलेगा, या हम अप्रॉक्स आंसर जो है 2.989 भी हो सकता है, और आप जानते हैं 2.9 भी इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक, तो पहले इतना लिख, लिखा बेटा, लिखा बेटा, यानी कि एक कैलकुलेशन ये समझ में आया, एक कैलकुलेशन ये समझ में आया कि n बराबर अगर दो है तो आंसर आएगा हमारा 2.9, समझना मेरी बात ध्यान से। अब एक और दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि सेकंड केस मैंने ये ले रखा है कि क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव है, तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का अभी आपने निकाला था कि n बराबर 3 आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था बेटा। अब एक बात बताओ कि इस फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगा, यहां पर यहां लिखूंगा 3 और यहां लिखूंगा 3, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देख, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को फाइनल आंसर 3.9 के आसपास आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, यही तो आंसर आएगा, या नोट कर इसको, राइट, जरा इसको नोट कर,
लिखा बेटा। एक और देख, यानी कि आपने क्या सीखा कि n बराबर दो है, सॉरी n बराबर अगर तीन है तो हमारा जो आंसर आ रहा है 3.9 आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब। एक और देख सी देख। अब मैं करता हूं सी आर डाई पॉजिटिव कर लेता हूं तो n बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं क्रोमियम डाई पॉजिटिव कर रहा हूं तो n बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस केस में मैं यहां लिख रहा हूं कितना, सुन ले पहले ध्यान से, ध्यान सुन। यहां मैंने लिखा 4 और यहां लिखा 4, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 24। सॉल्व करेगा तो मेरे को मिलेगा 4.9 मिलेगा। नोट करो, लिखा बच्चों। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, एन बराबर अगर 4 आ रहा है तो मेरे पास आंसर 4.9 आया। एक बात और देख, एक केस और देख कि अगर मैं Mn डाई पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस केस में एन बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब मेरे को म्यू निकालना है तो म्यू बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला n n+2 है ना। तो ये कितना हो गया भाई, 5 और 5+2 यानी कि कितना हो गया बताओ बच्चों, ये हमारा कितना हो गया 7, रूट 35 हो गया। तो 35 का मतलब हमको मिल गया 5.9, ये आ गया। यानी कि जब n बराबर 5 आ रहा है तो आंसर हमारा आ रहा 5.9। जरा पहले नोट कर, इतना नोट कर फिर एक बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चों? अब मेरी बात सुनो, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। देखो जब हमको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन कंपटीशन में अगर हम बैठते हैं तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बात समझना ध्यान से, एक ट्रिक लिखना है एएसटी, एक ट्रिक लिखना है। ट्रिक ये लिखना है कि म्यू बराबर एन प्लस 0.9, एक ट्रिक लिखना है, राइट। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान सुनना कि अगर मैंने कहा कि निकल डाई पॉजिटिव का निकालना है तो पहले आप निकालोगे n बराबर 2 निकाला आपने, फिर म्यू सॉल्व किया तो म्यू सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 2.9 आ गया। तो जब इसको आपने आपने म्यू निकाला तो म्यू के लिए आपने फॉर्मूला लिखा भाई n n+2 ऐसा कुछ लिखा, फिर म्यू बराबर लिखने के बाद आपने लिखा 2 और फिर प्लस 2। अब इसको फिर सॉल्व किया आपने तो रूट आपका 8 आया, जब 8 आने के बाद सॉल्व किया फिर इतना आ गया 2.9। बेटा एक बात देखो, यहीं पर हम जान गए कि क्या आंसर आने वाला है, यहां से यहां तक की हमको जरूरत ही नहीं है, यहां से लेकर के यहां की जरूरत भी नहीं है। कंपटीशन में अप्लाई करेंगे, बोर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जामिनर काट के जीरो कर देगा। क्यों?
क्योंकि ये मेरा बनाया फॉर्मूला है, ये बुक में नहीं लिखा है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा किसी बुक में नहीं है और इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बेस पर मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ताकि आप विद इन सेकेंड आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो एक बात मेरे को बताओ कि अगर n बराबर अगर 2 आ रहा है तो म्यू बराबर 100% 2.9 ही आएगा। देखो दिख भी रहा था, अभी आपने करके देखा कि अगर हम n बराबर 3 आएगा तो म्यू बराबर 3.9 आएगा 100%। देखो दिखा, अभी सॉल्व करके दिखाया मैंने भी आपको बिल्कुल। अगर हम n बराबर 4 आ रहा है तो म्यू बराबर कितना आएगा, 4.9 ही आएगा। अभी करके नहीं दिखाया, नहीं ये जो करके मैंने दिखाया, ये भी करके दिखाया मैंने आपको क्रोमियम का केस। अगर n बराबर 5 आता है तो म्यू बराबर कितना आएगा, 5.9 है ना। अभी आपको मैंने करके भी दिखाया था mn का। तो आपने खाली यहीं पर जान लिया कि यहां क्या आने वाला है, यहां से यहां तक की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि हम n में ही जान गए कि नीचे क्या आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो इस ऐसा करने से हमारा समय बचेगा, हमारा क्या बनेगा, समय बचेगा। नोट करो बेटा फटाफट। तो फंडा समझ में आया सबको, ट्रिक समझ में आया, कैसे प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे, ट्रिक समझ में आ गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड में ऐसा करना, ऐसा मत कर देना कि अरविंद सर का ट्रिक लगा देना वहां पर, वो मुझको नहीं जानते बोर्ड वाले, काट जीरो कर देंगे, ठीक है ना। रिजल्ट यही आएगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट चेंज आएगा, रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। रिजल्ट ये एक टेक्निकल फंडा है विद इन सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक। नोट किया बेटा। तो जब कोई रूल्स मैं बनाता हूं उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सियल आ भी जाता है, जैसे कि क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि टॉपिक की शुरुआत करें, यानी केस थर्ड की मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो केस थर्ड में मैंने एक बात बताया था कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए बोहर मैग्नेट्रॉन यूज किया गया, यानी पैरामैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। पैरामैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में यह कह रहा हूं आपसे कि भाई अगर n बराबर जीरो है, अगर किसी केस में n बराबर जीरो आ रहा है तो मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, क्योंकि n बराबर अगर जीरो आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक तो हुआ ही नहीं। जब पैरामैग्नेटिक हुआ नहीं तो इस रूल को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। तो जब n बराबर जीरो है तो म्यू बराबर 100% जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर n बराबर जीरो है तो मुझे पैरामैग्नेटिक तो दिखेगा नहीं, वो तो दिखेगा डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक केस में ये अप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है ना। तो दूसरे रेड पेन से लिखो, उसमें मत अप्लाई कर देना, ठीक है ना। लिखो, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो, देन म्यू बराबर जीरो। अब आप क्वेश्चन कहोगे, साहब ये देखने को कहां कहां मिलेगा, म्यू बराबर जीरो भी देखने को मिलेगा। हम बता देते हैं कहां कहां देखोगे भाई।
म्यू बराबर जीरो कहां कहां मिलेगा, यानी म्यू बराबर जीरो हमको कहां कहां मिल सकता है। देखो मैं अगर कह दूं भाई कॉपर प्लस, या मैं कह दूं ZN, या मैं कह दूं ZN डाई पॉजिटिव, राइट, ठीक है, या और बहुत सारे एलिमेंट है, अभी इतने से काम चला लो, अभी बहुत सारे हैं, इतने से भी काम चला लो, ठीक है। तो इन केस में हमको जो है म्यू बराबर जीरो ही आएगा। ये सारे के सारे, इनकी खास बात क्या है कि यहां पर ये सारे के सारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। जरा सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। इस सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, कोई अलग बात नहीं है। इज अ क्लियर, कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट बोहर मैग्नेटॉन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फाइंड आउट बोहर मैग्नेटॉन, यानी म्यू इन फॉलोइंग आयंस, राइट, इन फॉलोइंग आयंस, ठीक है। तो एक तो हो गया क्रोमियम, है ना, एक हो गया एम एन ट्राई पॉजिटिव, एक हो गया निकल डाई पॉजिटिव, एफ ई ट्राई पॉजिटिव, ठीक है ना। एक मैं लिख देता हूं कॉपर प्लस, ताकि अभी जो मैंने बोला वो भी उसकी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और एक मैं लिख दे रहा हूं जेड एन डाई पॉजिटिव, ठीक है, और एक लिख दे रहा हूं कॉपर कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव। लिखो इसको फटाफट, ये आपको करना है एज ए होमवर्क। लिखा बच्चों, अब लिखो स्लेटर्स रूल इन डी ब्लॉक एलिमेंट, स्लेटर्स रूल इन डी ब्लॉक एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखो 3D सीरीज एलिमेंट, है ना, ब्रैकेट में लिखो 3D सीरीज एलिमेंट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू एंड गुड नाइट।